ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। So, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों में बहुत सारी अतरंगी अपडेट देने वाला हूं, जो कि अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले यार हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले ओबी 37 अपडेट के बारे में, जिसके बाद आप सभी को हमारे गेम के अंदर काफी सारे चेंज देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले हैं इनवाइट एंड विन इवेंट के बारे में, जिसके अंदर तुम लोग को बिल्कुल ही फ्री में बंडल और रिवॉर्ड मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे फ्री फायर में आने वाला है न्यू लूडो इवेंट, जिसके अंदर आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में की स्किन एंड और भी काफी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। सो लूडो मास्टर कब तक आ जाएगा इंडियन सर्वर में, उसकी भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूं, एंड और भी काफी सारे अपडेट आज की वीडियो आप सभी को जानने को मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ये छोटे से काम है आप लोग जल्दी से कर देना यार। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं स्पेशल लकी व्हील इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप लोग को बहुत सारे आइटम जो है कम ही डायमंड में मिलने वाले हैं। सो ये है दोस्तों अपना न्यू लकी व्हील इवेंट, जहां पे आप लोग को दिल टूटने वाला इमोट मिल रहा है। साथ ही आप लोग को यहां पे भैया पांडा बंडल दिया जा रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले मैजिक क्यूब में अवेलेबल था और बाहर के कुछ सर्वर के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। सो एक तरीके से गाइस अपना जो वन डायमंड वाला इवेंट आता था वैसा इवेंट है, बट यहां पे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। आप लोग को नॉर्मली आइटम परचेस करने हो 399 डायमंड यहां पे आप लोग को खर्च करने हैं, तब जाकर के आप लोग को यहां पे इमोट वगैरह जो है मिल पाएगा। और आप लोग यहां पे देख सकते हो ये इतने 4-5 बंडल आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। साथ ही भैया ये जो इवेंट है इसमें आप लोग को इवो गन की क्रिएट्स भी देखने को मिल जाएंगी। अभी हम बात करते हैं अपना जो न्यू अपडेट है वो कब आने वाला है। सो न्यू अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा 16 नवंबर को, जो कि अपना ओबी 37 अपडेट रहेगा। इसके बाद भैया अपना जो ट्रेंड सेक्शन है उसके अंदर आप सभी को यहां पे एंजेलिक बंडल, एंजेलिक पैंट वगैरह वापस देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहां पे कुछ और आइटम्स होंगे जो कि एंजेलिक थीम के होंगे, जो कि आप लोग को यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही यार दोस्तों, इस बार जो अपना ट्रेंड प्लस सेक्शन है उसमें आप सभी को बहुत सारे बंडल और रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग को एंजेलिक पैंट यहां पे देखने को मिलने वाली है, एंड देन दोस्तों आप लोग को यहां पे कुछ और न्यू बंडल जो है ट्रेंड प्लस सेक्शन की स्टोरी वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप इनको स्क्रॉल करके आराम से देख पाओगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपडेट के बाद गेम के अंदर ऐड होने वाली है। और भी अपडेट्स के लिए आप लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट और भी काफी ज्यादा तगड़ी है। सो अभी हम बात करते हैं फ्री बंडल एक्सचेंज के बारे में। सो अभी हेलोवीन इवेंट चल रहा है, आप लोग को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। सो एक और फ्री इवेंट यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे दोस्तों आप लोग को फीमेल बंडल साथ ही डायमंड रॉयल वेपन रॉयल वाउचर फ्री में मिल रहे हैं। सो आप लोग को यहाँ पे जस्ट 30 मिनट गेम खेलना है, आप लोग को टोटली यहाँ पे 10 टोकन मिलेंगे, डेली के डेली मिलेंगे, ठीक है। इसके बदले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो एक्सचेंज स्टोर है, एक्सचेंज स्टोर के अंदर से आप लोग को यहाँ पे बंडल वगैरह एक्सचेंज करने दिया जाएगा। फीमेल टॉप आप लोग यहां पे एक्सचेंज कर पाओगे, एंड देन आप लोग एक एक पार्ट को अलग अलग एक्सचेंज यहां से कर सकते हो। और भैया बहुत ही आसान मिशन है यार, तुम लोग को सिर्फ 30 मिनट गेम खेलना है, जिसके बदले दोस्तों आप लोग को ये जो बंडल्स हैं बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये इवेंट आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, ओबी 37 अपडेट के बाद इतने सारे मस्त वाले इवेंट आने वाले हैं, जिनको जानने के बाद तुम्हारा दिल गदगद होने वाला है, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं लूडो मास्टर के बारे में। तो दोस्तों अपना जो लूडो मास्टर इवेंट है मे बी FFWS की थीम पे आ सकता है, बट इसके मोस्टली चांसेस हैं कि हेलोवीन या फिर बुया थीम पे देखने को मिलेगा। अगर बुया या फिर हेलोवीन पे नहीं आता है तो ये कंफर्म मान के चलो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की थीम पे आप लोग को लूडो मास्टर देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग को लॉग इन करने पे 2 टोकन मिल जाएंगे, और इन टोकन की मदद से दोस्तों आप लोग यहाँ पे डाइस को रोल कर पाओगे, और जिस भी चीज को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो, रेड वाली बढ़ाना चाहते हो, ब्लू ग्रीन जो भी आप लोग को बढ़ानी है उसको बढ़ा सकते हो, एंड जिसको भी आप लोग सबसे पहले भैया अपने टारगेट तक पहुंचा दोगे तो उसका रिवॉर्ड आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं रेड वाली को ऑरेंज वाली को यहाँ पर पहुंचा देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो फार्मर्स की स्किन है वो मिल जाएगी, ग्रीन वाली को पहुंचा देता हूँ दोस्तों तो मेरे को यहाँ पे इनक्यूबेटर वाउचर मिल जाएंगे। सो ऐसा चलने वाला है दोस्तों अपना लूडो इवेंट, जो कि यार बहुत ही तगड़ा इवेंट रहने वाला है। और हाँ, अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर एक ट्रेलर सेक्शन ऐड होने वाला है, जैसे कि अभी ट्रेंड सेक्शन ऐड हुआ है उसके बाद आप लोग को ट्रेलर सेक्शन यहाँ पर देखने मिलेगा, जहाँ पे आप लोग को इलीट पास के जो इवो बंडल्स हैं, मतलब इलीट पास के जो बंडल आएंगे जिनको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, वो आप लोग यहाँ पे मिलेंगे। और अपडेट के बाद 2 न्यू करेक्टर आने वाले हैं, एक मेल एक फीमेल होगा, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इनके नाम क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इनके नाम मैं आपको तब बताऊंगा जब इनका एबिलिटी का वीडियो मेरे पास आ जाएगा। सो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, तभी आप लोग को मैं इनकी एबिलिटी वगैरह बताने वाला हूँ। लेकिन अभी अर्वन पैट की एबिलिटी आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो कि अपना नया पैट रहने वाला है। सो इसका एबिलिटी दोस्तों कुछ इस टाइप का है, जैसे आप सभी के सामने जितने भी एनिमी हैं वो कहीं भी
भी हैं तो उनका लोकेशन आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि हैकर आई रहती है ना भैया मोको की, वैसे ही ये पेट की भी आई हैं जो कि भैया किसी भी एनिमी की लोकेशन आप लोग को यहाँ पर बता देगी, जो कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है। पेट की एबिलिटी तो मस्त लगी, करेक्टर की एबिलिटी जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको बताता हूँ एक न्यू लॉन्च पैड के बारे में, जो कि भैया आप लोग खुद से कहीं पर भी भैया लगा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक लॉन्च पैड हमने लगाया और यहाँ पर देख सकते हो हमने जंप कर दिया और आकर हम लोग पानी में डूब चुके हैं। सो अपडेट के बाद ये लॉन्च पैड भी आने वाला है जिसको आप लोग कहीं पर भी भैया ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अपडेट के बाद कुछ न्यू थीम्स पे आप लोग को एयर ड्रॉप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो थीम है भैया वो है FFWS की, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अपडेट के बाद जितने भी इवेंट आने वाले हैं ना उनकी थीम पे आप लोग को एयर ड्रॉप की स्किन वगैरह देखने को मिलने वाली है। और ये जो थर्ड वाली आप लोग ने देखी यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोग को कैसी लगी दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट में बताना, जिसमें लिखा हुआ रॉक एंड रोल। और आप लोग को बताया था फुटबॉल मोड आने वाला है, सो फुटबॉल मोड का भी आप लोग को यहाँ पे एयर ड्रॉप का स्किन देखने को मिलेगा। यानी कि भैया समझ जाओ फुटबॉल का एक स्पेशल इवेंट ही गेम के अंदर आ सकता है, जैसे कि लीग से लेकर करके आ रही हैं। इसके बाद एक तगड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, जनवरी महीने से दोस्तों हमारे फ्री फायर में जो भी इलीट पास शायद से आएंगे ना तो उनको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमारे फ्री फायर में इवो बंडल्स आते हैं उनको आप लोग कस्टमाइज करके टोपी का कलर अलग कर लेते हो, टॉप का कलर अलग कर लेते हो, तो वैसे ही दोस्तों इस बार आप लोगों को यहाँ पे लेवल के हिसाब से जो एलिट पास है वो मिलने वाले हैं। मतलब कि समझ जाओ जैसे जैसे आप लोग के लेवल बढ़ते आएंगे आप लोग का भैया बंडल जो है अनलॉक होता जाएगा और आप लोग को ये रिवॉर्ड वगैरह भी यहाँ से मिलते जाएंगे। और इस बार दोस्तों आप लोग को इलीट पास के अंदर से ग्लू बॉल भी दी जा रही है। लेवल 100 में आप लोग को बंडल मिलेगा, 140 लेवल में आप लोग को ग्लू बॉल मिलेगी यार, जो कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। और भी अपडेट अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे न्यू ट्रोजन गन के बारे में, जो कि दोस्तों हमारी एक न्यू शॉर्ट गन होने वाली है जो कि चलने में काफ़ी तगड़ी है। आप लोग को इसका रिव्यू मैं दिखा देता हूँ कि कैसी ये चलती है। तो देख सकते हो गाइस ये है हमारी ट्रोजन, जो कि यार जैसे नॉर्मल शॉर्ट गन चलती है Mag 7 वैसे ही चलने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को टोटल 12 गोलियां देखने को मिलती हैं, तो मतलब समझ जाओ अगर ज़्यादा एनिमी दूर भी है तो आप लोग इसको आराम से मार पाओगे। तो मैग 7 से थोड़ी कम रेंज आपको इस गन में देखने को मिल जाएगी। अभी आपको मैं कुछ इमोट यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि अपडेट के बाद हमारे गेम में आने वाले हैं। सो ये हैं गाइस कुछ पैट के इमोट, समझ लो मस्त वाले हैं भाई। और हाँ, इंडियन सर्वर में आप लोग को इतने सारे इवेंट इस बार मिलेंगे, जैसे कि हो गया हेलोवीन, विंटर एंड यहाँ पे दोस्तों हमारा FFWS का इवेंट, जिसमें आप लोग गैलेक्सी व्हील के अंदर अपना जो न्यू इवो बंडल है वो देखने को मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों और भी काफ़ी सारे ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जिनको अभी तक आपको बताया ही नहीं गया भाई, तो वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। और हाँ, इस बार आप लोग को इवो गन देखने को मिलने वाली है जो कि अभी तक हिडन रखी गई है। साथ ही इवो गन के साथ साथ आप लोग को दोस्तों इवो फिस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आप लोग को एक्टिव स्किल ऐसे कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा बट उसमें एनिमेशन आपको अलग देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो इलाइट पास के बंडल आप लोगों को बताए थे उसमें आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को कस्टमाइज का जो बटन है वो मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे चाहो तो दोस्तों कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हो। कस्टमाइज पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे सो आप लोग यहाँ पे जो बंडल का कलर है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर पाओगे, जो कि यार बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और अपडेट के बाद कुछ जो न्यू लोडिंग स्क्रीन आएंगी, लॉबी आएंगी, वो आप सभी को सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर आने वाला है इन्वाइट एंड विन इवेंट, जिसके अंदर दोस्तों आप लोग को लगभग 10 या फिर 20 लोगों को इन्वाइट करना रहेगा। अगर जो पुराने प्लेयर भी हों, नए हों, कोई भी हो, उसमें आप लोग को सिर्फ 20 लोगों को इन्वाइट करना रहेगा। अगर आप लोग ये मिशन कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे ये जो न्यू रिवॉर्ड है ना वो मिलने वाले हैं। और अपडेट के पहले के ये इवेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, बट अभी जब अपडेट आ जाएगा सो आप लोग को यहाँ पर नए इमोट मिलेंगे, साथ ही नई ग्लू बॉल एंड बंडल वगैरह आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो बस यार आज की वीडियो में नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप सभी अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।